नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। अब बिन गोली बिन बम आतंकी होंगे बेदम। जी हां, इजराइल से ऐसा फॉर्मूला मिला जिससे खाली हाथ ही आतंकियों का काम तमाम हो जाएगा। इस इजरायली फॉर्मूले का नाम है क्राव मागा, जिसे भारतीय सेना ने भी अपना लिया है। आतंक के खिलाफ इजरायली दांव नंबर वन। जब हम हॉस्टल सिचुएशन में किसी ने आपको टॉर्चर करना है, आपको पकड़ लिया प्रिजनर ऑफ वॉर, अगर दुश्मन ने धोखे से दबोच कर सांसें रोकने की कोशिश की, फिर भी उसके खैर नहीं, भले वो हथियार से ही लैस क्यों ना हो। पहले हेडलॉक को तोड़कर दुश्मन को धूल चटा देता है ये मार्शल आर्ट। उससे बात कर रहा है, इंटरोगेशन, पूछताछ कर रहा है कि भैया तुम्हारी फोर्स कहाँ है, कहाँ तुम्हारे हथियार रखे हैं, कितने हथियार हैं, कितनी नफरी है। ठीक है सर? सर सर, ओके। और उसका साथी अभिषेक का क्या करता है? राइट, उसको खोलो, वैसे ही पूरी कार्रवाई, टांग पीछे निकालो और काउंटर और स्कैन। आतंक के खिलाफ इजरायली दांव नंबर टू। अगर आतंकी रात के वक्त सेना के बैरक पर मौजूद संतरी पर AK-47 से हमला कर दे, ऐसे में इजरायली मार्शल आर्ट क्राव मागा की ये खास तकनीक आतंकियों को चने चबाने पर मजबूर कर देती है। क्या कर रहा हूँ? अब मैं सांस ले रहा हूँ, ये हेड वर्ड, ये याद है आपको? अब वेट कहाँ आया? अब ये देखो ये सर, आप बताइए ये खास तौर से डिजाइन किया हुआ डमी है, इससे कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है इनको, इससे क्या फायदा होगा? डमी से एक तो हमारा एक्चुअल वेपन डिस्ट्रॉय नहीं होता, डैमेज नहीं होता। डमी से एक्चुअल वेट है, ये पूरा जो भी डमी है इसका वेट बिल्कुल इक्वल विदाउट एमनिशन है, तो हाथ के लिए प्रैक्टिस करने के लिए इजी है, मेटल है, हाथ को चोट नहीं पहुंचती। दूसरा, ट्रेनिंग पार्टनर को चोट नहीं पहुंचती। तीसरा, वेपन नुकसान नहीं होता और पूरा रियलिस्टिक ट्रेनिंग कर रहे हैं। मतलब इस वेपन को इस तरह से, इस डमी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि असली वेपन जैसे कोई हाथ में पकड़ा हो, असली AK-47 ये बिल्कुल रेप्लिका है, बिल्कुल वजन भी सेम। आतंक के खिलाफ इजरायली दांव नंबर तीन। ग्लॉक 17 पिस्टल से लैस आतंकी हमला बोलते तो भी उसे पल भर में धराशायी किया जा सकता है। ये देखिए क्राव मागा का सबसे बड़ा कमाल, उसके बाजू की ग्रिप को तोड़ना है। टू पुश, टू डन करो, थ्री एमआर और पांच, और जिसके पास हथियार है निकाल के। ओके, वापस। आतंक के खिलाफ इजरायली दांव नंबर चार। आतंकी पीछे से हमला बोल दे, गला दबाने लगे, लेकिन ये क्या, देखते ही देखते आतंकी चित हो गया। आतंक के खिलाफ इजरायली दांव नंबर पांच। अगर कोई आतंकी हथियार छीनने के लिए अचानक हमला बोलता है, लेकिन वो भी बच नहीं पाता। आतंक के खिलाफ इजरायली दांव नंबर छह। तो फर्स्ट बैलेंस ऑन बोथ लेग, देन हाथ जो लेग। अगर सीधे आतंकी से आमना सामना हो जाए, वो सीधे गला दबोच ले, तो फिर काम आता है दांव नंबर छह। बॉडी को टर्न करते हुए इस पोजीशन में आना और एल्बो से बोथ आर्म्स के ऊपर अटैक करना है। आतंक के खिलाफ इजरायली दांव नंबर सात। आप यहां से इसको ऐसे रोक रहे हैं, आपको फाइटिंग स्टांस से मूव करना है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस अटैक कर रहा है। और कहीं आतंकी चाकू से ही हमला बोल दे तो चलेगा दांव नंबर सात। आपने यहां पहुंच के ब्लॉक कर, यहां पहुंच के आपने ब्लॉक कर, यहां से आप कर रहे हैं।
यहाँ के बाद ये चाकू नहीं चला सकते, मैंने ब्लॉक कर दिया, कितनी भी कोशिश कर लें चाकू नहीं चला सकते, नहीं चलेगा। हम क्या कर रहे हैं, जहाँ से हम नी स्ट्राइक कर, नी स्ट्राइक किया वन टू, जब ये नी स्ट्राइक हो गया हमने इनका हाथ वापस पकड़ा, कैसे पकड़ा, यहाँ था ना, इसको हमने ऐसे पकड़ा, और वापस आते वक्त हमने ग्रोइन हिट किया, टू बी 100% श्योर कि ये दोबारा आके ऊपर अटैक ना करें। जब ग्रोइन हिट होता है तो पहला रिएक्शन क्या होगा सर, आप ऐसे झुकेंगे, जब ये झुके हुए हैं तो आप इनका हाथ इन्हीं की तरफ मोड़ेंगे, उससे क्या होगा कि इनकी उंगलियों के बीच स्पेस बनेगा और ये नीचे गिरने लगेंगे और आप इनको। आतंक के खिलाफ इजरायली दांव नंबर 8। आपका हथियार भी छीना चाह रहा है, आपको भी मारना चाह रहा है, तो आपको अपने आप को बचाना है उसमें। क्लियर है साहब? कश्मीर जैसे हालात में आतंकी टाइम पूछकर हथियार छीनने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसे में चलेगा दांव नंबर 8। अब ऊपर नहीं जा पाएगा, इसको अंदर करो, वेरी गुड, इसको अंदर करो, जैसे आप मेरा हेल्प करो, बोलने के बगैर चेक करो, ओके, टू, हिप, पीछे, थ्री, दाहिना पैर आगे करेंगे, मेरे काउंट पे, दाहिना पैर आगे करेंगे, ओके, लेफ्ट लेग पीछे से निकलेगा, मेरी तरफ आएगा, वो मेरी तरफ आएगा, लेफ्ट लेग साहब मेरी तरफ आएगा, हियर, फाइव, टर्न वेपन करेंगे उसके बाजू के ऊपर, सिक्स, बैरल से मारेंगे उसको गर्दन में, सेवन, कॉक करेंगे, ओके साहब बैठ जाओ, ये थोड़ी डायरेक्शन की कर। आतंक के खिलाफ इजरायली दाव नंबर 9। दुश्मन भी है और ये भी है, अगर इधर कुछ स्टॉपेज है, कुछ है फंक्शन बराबर है, ओके। हथियारों से लैस ऑपरेशन में भी चलता है क्राव मागा का दाव, खासकर तब जब सामने आतंकी भी हथियारों से लैस हो। आतंक के खिलाफ इजरायली दाव नंबर 10। इजरायली दांव महिलाओं के सिर चढ़कर भी बोल रहा है, महिला कमांडो के इस दांव पर तो आतंकी जमीन सूंघने पर मजबूर हो गया। ये है इजरायल के आतंकियों को नेस्तोनाबूद करने वाले दांव, बिना बंदूक, बिना बम और बिना बारूद के आतंकियों को धूल चटाने की ये मार्शल आर्ट भारत भी पहुंच चुकी है। खाली हाथ आतंकियों को सबक सिखाने की इस कला को भारतीय सेना ने हाथों हाथ अपना लिया, यहाँ इसकी ट्रेनिंग चल रही है, इनमें भारतीय सेना के कमांडो भी हैं। हेलमेट पहने ट्रेनिंग लेते इन कमांडो के चेहरे तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन इस इजराइल मार्शल आर्ट क्राव मागा की ये मुरीद बन चुके हैं। आतंकियों के खिलाफ दो दो हाथ करने वाले इन आर्ट्स ने इन्हें फौलाद बना दिया है, खाली हाथ ही ये 10-10 पर भारी। भारी मसल्स वाले लोग और हट्टे कट्टे लंबे चौड़े लोग, बल्कि लीन बॉडी वाले और छोटे कद के लोग भी इसको आजमा सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पूरी ट्रेनिंग के बाद। ये आर्म फोर्सेस के लोग हैं, ये पूरी तरह से ट्रेंड है, कभी भी इस तरह की सिचुएशन आपके साथ हो, असली गन सामने हो, तो इसे कभी मत आजमाइएगा, क्योंकि ये क्राव मागा ट्रेनिंग के बाद ही असली गन फेस कर सकते हैं आप। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक। क्राव मागा कमाल की मार्शल आर्ट्स है, यही वजह है कि आतंक को खाली हाथ मुंह तोड़ जवाब देने वाला ये इजरायली जादू हिंदुस्तानी कमांडो उसके सर चढ़कर बोल रहा है। दिल्ली के एक ट्रेनर ने तो 2002 में ही क्राव मागा को यहां लाया था। भले ही पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री ने इसराइल का दौरा किया हो, भले ही 70 साल में पहली बार इसराइल से खुलेआम दोस्ती के साथ पींगे पड़ी हो, भले ही इसराइल की जमीन पर पहली बार भारत और इसराइल के राष्ट्राध्यक्ष मिले हों, लेकिन इसराइल और भारत का नाता पुराना है। इसराइली मार्शल आर्ट क्राव मागा तो सालों पहले भारत में पैर जमा चुका था, खाली हाथ हथियारों से लैस कई लोगों को छक्के छुड़ाने की इस इजरायली कला को भारत ने सालों पहले हाथों हाथ अपना लिया। सेना,
पैरामिलिट्री और पुलिस के कमांडो तो इस आर्ट्स में महारत हासिल कर चुके हैं। काम बंद कर देते हैं। क्राउ मागा को भारत में लाने का श्रेय दिल्ली के विक्रम कपूर को जाता है। वो 2002 में पहली बार इस मार्शल आर्ट को इजराइल से दिल्ली लाए थे। तब से वो सेना, पैरामिलिट्री और पुलिस के सैकड़ों कमांडो को ट्रेनिंग दे चुके हैं। आज ऑलमोस्ट हर शहर में हम लोग क्राउ मागा इतना पॉपुलर हो गया है पिछले 15-16 साल से, और अभी आप ये देख रहे हैं ये हमारी फोर्सेस हैं जो ट्रेन कर रहे हैं इस सिस्टम में, क्योंकि इनके लिए मोस्ट प्रैक्टिकल है, क्योंकि इन्होंने पूरा गियर भी लेना है ऑपरेशन में, वेपन भी लेना है, ये छोड़ के वहाँ 1-on-1 फाइट नहीं है। क्राउ मागा मल्टीपल असाइलेंट के अगेंस्ट है, सरप्राइज के अगेंस्ट प्रिपेयर करता है, अंडर स्ट्रेस प्रिपेयर करता है, सो उसके देखते हुए कि ये मोस्ट प्रैक्टिकल है तो इसको मैंने अडेप्ट किया और अब मैं स्प्रेड कर रहा हूँ। क्राउ मागा एक हिब्रू शब्द है जिसका मतलब होता है कोटेक्स कॉम्बैट, यानी सामने खड़े दुश्मन से दो दो हाथ करना। हकीकत में ये युद्ध में आजमाई जाने वाली तकनीक है जो दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए आजमाई जाती है। तो उसी में फोर्सेस के लिए उनको जो थ्रेट्स थी उस वक्त ज्यूश कम्युनिटी को जो नाजीज के अगेंस्ट थे, सो इमी जो हमारे फाउंडर हैं क्राउ मागा के वर्ल्ड में, वो अभी नहीं है मगर उन्होंने एक ब्यूटीफुल सिस्टम पूरी वर्ल्ड को गिफ्ट किया है, और उन्होंने ये डेवलप किया ज्यूश कम्युनिटी को डे टू डे थ्रेट से बचाते हुए के लिए, और प्रैक्टिकल था, इजी था लर्न करना। तो वो खुद रेसलर थे, जुजुत्सु प्रैक्टिस करते थे, जिमनास्ट थे, उन्होंने बॉक्सिंग करते थे, तो उन्होंने वेरियस सिस्टम को एक प्रिंसिपल में लागू किया कैसे हम कर सकते हैं कम समय। फिर जब स्टेट ऑफ इसराइल बना इन्हीं उनको फिजिकल फिटनेस और हैंड टू हैंड कॉम्बैट के उनको इंचार्ज बनाया गया। इसराइल का हथियार इनोवेशन में कोई सानी नहीं है। क्राउ मागा इजरायली इनोवेशन का ही एक हिस्सा है जो एक कमांडो सेना के जवान को फौलाद बनाता है। इस आर्ट में माहिर जवान हर हालात में बचकर निकलने, दुश्मनों को खत्म करने और मिशन पूरा करने को कुव्वत रखता है। क्राउ मागा इजरायल के साथ अमेरिकी सील कमांडो का भी हथियार है। क्राउ मागा में महारत रखने वाले एक साथ बॉक्सिंग, कुश्ती, मॉय थाई, जुजित्सो, अकाइडो और जूडो में भी माहिर होते हैं। आतंकी बुरहान के खात्मे के एक साल पूरा होने पर कश्मीर घाटी में सन्नाटा पसरा रहा। किसी हंगामे की आशंका से सुरक्षा बल मुस्तैद रहे। अनंतनाग में कर्फ्यू लगा रहा जबकि अमरनाथ यात्रा भी एक दिन के लिए रोक दी गई। कश्मीर घाटी में सन्नाटा पसरा है। सड़कें खाली, अजीब सी खामोशी है। बुरहान के खात्मे की सालगिरह पर कोई बारूदी साजिश न हो इसलिए पूरी घाटी में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। बुरहान वानी के अनंतनाग ट्रायल में कर्फ्यू है। सड़कों पर सिर्फ सुरक्षा बलों की गाड़ियां ही दौड़ती रहीं। राजधानी श्रीनगर में भी सड़कें खाली हैं, लोग घरों में ही बंद हैं, लेकिन फिजा में तनाव है। आज तक आ पहुंचा है डाउनटाउन एरिया, जामिया मस्जिद के बिल्कुल बाहर, जहां पे मीरवाइज अपने सरमन भी देते हैं हर शुक्रवार। और आज इस एरिया को आप देख सकते हैं बिल्कुल सैनिटाइज्ड है। इनफैक्ट सुधीर आपको दिखाएंगे, सीनियर पुलिस अफसर आ पहुंचे हैं यहां पे जामिया मॉस्क में, और यहां पे सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन बहुत हैवी है। सीनियर पुलिस अफसर ट्रैक कर रहे हैं एरिया को और ताकि सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे। घाटी में आज कोई बवाल न हो इसलिए जम्मू श्रीनगर हाईवे को भी बंद कर दिया गया। आज अमरनाथ यात्रा पर भी एहतियातन रोक लगा दी गई। काफी कॉर्डन्ड ऑफ एरिया आज शाम तक ही रहेगा कि आइडेंटिटीज चेक होंगी और कोई सस्पिशियस मूवमेंट होगी जो ट्रैक हो रही है? बिल्कुल, हम जैसे मैंने आपको बताया हम पूरी तरह से चौकस हैं, किसी भी स्थिति पे नजर रखे हुए हैं, और अभी तक आपने देखा होगा कि स्थिति कंट्रोल में है, टोटल कंट्रोल में है, और यही ऐसे ही जारी है। जम्मू की तस्वीर अलग थी। सड़कों पर निकलकर लोगों ने आतंकी बुरहान वानी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। शहीद बुरहान वानी
लेकिन पाक परस्त गद्दार बाज नहीं आए। मिर्वाइज ने आतंकी बुरहान के लिए वीडियो जारी किया, पाकिस्तान की भी पोल खुल गई। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने तो हद पार कर दी। बाजवा ने आतंकी बुरहान के लिए ट्वीट कर बता दिया कि पाकिस्तान सुधर नहीं सकता, आतंक उसके जहन में है, खून में है। श्रीनगर से पूजा शाली के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक।